जो मुगल है, मुगल के विषय यहाँ हम लोग को हटाना है देश से। शाहजहां ने 4 नंबर बीबी के नाम से मुमताज महल ताजमहल बनाए थे, उससे उसके बाद अगर प्रेम के निशानी है तो उसके बाद तीन बार और क्यों शादी किए? ये तो प्रेम का कोई बात ही नहीं रहा। भारत देश के जो नए प्रिय हैं उनको हम लोग को सिखाना नहीं है। इस जगह में, ताजमहल के जगह में, कुतुब मीनार के जगह में और बड़ा बड़ा हम लोग और मंदिर हो या दूसरा कोई बनाने का हम लोग का संभव था। जो मुगल है, मुगल के विषय यहाँ हम लोग को हटाना है देश से। एक मुगल राजा जहांगीर ने 20 शादी किए। जो प्रेम की निशानी बोला जाता है मुमताज महल या ताजमहल जो शाहजहां ने बनाए, वो 4 नंबर पर जब शादी किए उनके नाम से, 4 नंबर वाला बीबी मुमताज के नाम से शाहजहां ने बनाए। अगर प्रेम के निशानी हकीकत में थे तो उसके मुमताज गुजरने के बाद और 3 बार क्यों शादी किए? शाहजहां ने 3 बार और शादी क्यों किए? अरे इसको, इस विषय को अगर हम लोग अगर छोटे बच्चे हैं जो भारत देश के जो नए प्रिय हैं उनको हम लोग को सिखाना नहीं है कि एक मुगल राजा जहांगीर 20 शादी किए, एक मुगल राजा शाहजहां 4 नंबर बीबी के नाम से प्रेम के निशानी के तौर से ये बनाए और उसके बाद और 3 शादी किए, ये तो प्रेम का कोई बात ही नहीं रहा। रहा बात मुगल ने आया भारत देश में कब? 1526 सन में, और ये ताजमहल बनाए कब? 1632 सन में, 104 साल के बाद। अगर वो लोग वापस नहीं गए, ये पैसा कहाँ से मिला 104 साल के बाद मुगलों को? स्वाभाविक देश के जो हम लोग का हिंदू राजा था, हिंदू लोग थे, उनसे पैसा लूट मार करके, मारपीट करके, डकैती करके, पैसा हिंदू लोग से पैसा लेके ये बनाए, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। इससे आगे जब 1526 सन में मुगल इधर आए, उससे आगे 1200 सन में अगर जगन्नाथ मंदिर हम लोग का 1200 सन में हिंदू राजाओं ने, हिंदू लोग ने बनाए हैं, अगर कैलाशनाथ मंदिर इलोरा जो महाराष्ट्र में है, केदारनाथ मंदिर हो, मुंडेश्वरी मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर, मुगल आने के आगे हम लोग का अगर कैपेसिटी था बनाने का, स्वाभाविक इस जगह में, ताजमहल के जगह में, कुतुब मीनार के जगह में और बड़ा बड़ा हम लोग और मंदिर हो या दूसरा कोई बनाने का हम लोग का संभव था। अगर अभी भारत के देश ने दिखा दिया सारे दुनिया को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विश्व के सबसे ऊंचे जो मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से विश्व के सबसे ऊंचे मूर्ति अगर बनाने का भारत देश में समर्थ है, तो हम लोग इसे बड़े बड़े मंदिर बनाने का भी समर्थ हम लोग का थे या अभी भी है। तो इसलिए हम बोलना चाहेंगे कि ये जो प्रेम का निशानी कभी नहीं हुआ, शाहजहां ने 4 नंबर बीबी के नाम से मुमताज महल ताजमहल बनाए थे, उससे उसके बाद अगर प्रेम के निशानी है तो उसके बाद तीन बार और क्यों शादी किए? शाहजहां ने और 3 बार क्यों शादी किए? शाहजहां 7 बार शादी किए, ये तो आने वाले पीढ़ी को हम लोग को जानकारी देना नहीं है। जहांगीर मुगल राजा 20 बार शादी किए, ये भविष्य के प्रजन्म को कभी हम लोग को जानने का जानकारी देने का हम लोग को हक नहीं है। इसको बंद करना है। ये हम NCERT जो लाए हैं अभी मुगल का विषय बंद करने का, हम इसको आदरणीय ज्ञापन करते हैं। आपका एक्चुअली अभी डिमांड क्या है? मेरा यही डिमांड है, केंद्र सरकार को इसको लेके थोड़ा चिंता करने का बात है और सारे देशवासियों को चिंता करने का बात है। जो 20 बार शादी किए हैं, जो 7 बार शादी किए हैं, जो प्रेम के निशानी कह के एक महल बनाया, उसके बाद और 3 शादी किए, एक प्रेम का निशानी हुआ या हकीकत में क्या हुआ, इसको लेके विचार करना है देशवासियों को।